WAG-9 के अंदर नॉरब्रेम्स लोगों को किस तरीके से एनर्जाइज किया जाता है वो हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा, शेड से हम लाएंगे VL की लगती है यहाँ पर, तो VL की लेकर आएंगे और एक IG-38 चाबी लेकर के आएंगे। IG-38 की है वो न्यूमेटिक पैनल में लगती है, वो हम जाकर देखेंगे। लोको की ऊपर नीचे हम जांच कर लेंगे। न्यूमेटिक पैनल पर जाकर के IG-38 को ऑन पोजीशन पर घुमाएंगे और न्यूमेटिक पैनल पर ही परकॉस है वो अंदर जाएंगे हम, परकॉस है उसको बंद यानी कि हॉरिजेंटल अवस्था में होनी चाहिए परकॉस। और तीसरा काम हम करेंगे SV2 पैनल में MCV-110 MCV-112.1 को ऑन करेंगे। तो ये तीनों काम हम अंदर करके आते हैं और देखते हैं हम क्या थे IG-38 की कहाँ लगाते हैं। तो वो MCB नॉर्थ लोगों में SV2 में मिलेगी MCB, इसमें MCB है नहीं है, MCV-110 और MCV-112.1 उसको ऑन करेंगे हम। उसके बाद में हम क्या करेंगे नॉन वर्किंग कैम में A9 हैंडल है, A9 हैंडल को जो लॉकिंग की है ये वाली लॉकिंग की है इसको निकाल लेंगे और A9 हैंडल को फुल सर्विस पोजिशन पर ही रहने देंगे और SA9 हैंडल है इसको अप्लाई पर करेंगे इसको यानी फुल पर कर देंगे अप्लाई। और
बोर्ड स्विच है उसको लीड पर कर देंगे। नॉन ड्राइविंग कैम में ट्रेल पर कर देंगे। SA9 को रिलीज पर रखेंगे। ये SA9 हैंडल है, इसको रिलीज पर रखेंगे हम नॉन ड्राइविंग कैम में, और A9 हैंडल को फुल सर्विस पर लॉक रखेंगे। वर्किंग कैम में A9 हैंडल की लॉकिंग की निकाल देंगे, फुल सर्विस पोजीशन पर ही रहने देंगे। SA9 को अप्लाई पर करेंगे, रिलीज पर है तो अप्लाई पर करेंगे इसको फुल पर, और मोड स्विच को लीड पर कर देंगे। फिर पैनल ए पर VL की के द्वारा ऑफ स्थिति में लगा करके डी स्थिति में घुमाना है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन हो जाएगा, इससे क्या होगा पैनल सी पर स्क्रीन जल जाएगा, LSDJ की बत्ती जलेगी, ये LSDJ है, ये LSDJ जलेगा, और बैटरी वोल्टमीटर UVA उस पर वोल्टेज दिखाएगा, 110 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर दिखाएगा UVA पर। उसके बाद में यदि प्रेशर कम है तो MCPA यानी कंप्रेसर अपने आप चालू हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा, ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन रनिंग प्लीज वेट, 20 सेकंड तक सेल्फ टेस्टिंग चलेगी। सेल्फ टेस्टिंग के दौरान ये जो सभी संकेतक बत्तियाँ हैं ये जलेंगी बुझेंगी। यू मीटर है उसमें OHE वोल्टेज दिखाएगा, यहाँ पर OHE का वोल्टेज दिखाएगा यू मीटर में। और ट्रैक्शन बॉगी TEV मीटर है, ये ऊपर नीचे होकर के जीरो पर हो जाएगा, और फ्लैशर लाइट जल करके बुझेगी। टेस्टिंग के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, यू मीटर OHE वोल्टेज नहीं दिखाएगा, सिर्फ लाइट जलेंगी बुझेंगी, फ्लैशर लाइट जलेगी बुझेगी, और TEV है ऊपर नीचे होकर के जीरो पर आ जाएगा। उसके बाद में टेस्टिंग के बाद में यहाँ पर जो FLG 570 लिखा आ रहा है, यहाँ पर आएगा FLG 504 नोड। उस FLG 504 नोड आने के बाद में ZPT स्विच को हमें नीचे दबाना है, तो इससे क्या होगा पेंटो ऊपर चला जाएगा। ZPT को नीचे दबाएंगे तो पेंटो ऊपर चला जाएगा, और यदि प्रेशर कम है तो कंप्रेसर अपने आप चालू हो जाएगा, प्रेशर बनने के बाद में पेंटो अपने आप ऊपर उठ जाएगा, और यू मीटर में OHE वोल्टेज अब दिखाएगा यहाँ पर यू मीटर में, क्योंकि पेंटो टच होगा वायर से तभी तो OHE वोल्टेज दिखाएगा, तो यू मीटर में OHE वोल्टेज अब दिखाएगा। उसके बाद में स्क्रीन पर आएगा FLG 550 का नोड आएगा, यहाँ 570 का है, FLG 550 का नोड आएगा। अब हम DJ क्लोज करेंगे, BL DJ को ऑन कर देंगे, यानी DJ क्लोज, BL DJ नीचे दबा के ऑन कर दिया, DJ क्लोज हो जाएगा। अब क्या होगा, DJ क्लोज कर सकते हैं हम, DJ क्लोज होगा, BL DJ नीचे दबा कर छोड़ा, DJ क्लोज हो जाएगा, LSDJ की बत्ती जो जल रही थी वो बुझ जाएगी, यानी LSDJ की बत्ती बुझ जाएगी, सभी जो ऑक्सिलरी हैं अपने आप चालू हो जाएंगी। फिर BLCP स्विच है, इसका ऑटो में होना चेक करेंगे, ये तीन पोजीशन है BLCP की, मेन ऑटो ऑफ, तो BLCP स्विच हमारा ऑटो में होना चाहिए, तो इसका ऑटो में होना हम चेक करेंगे। इसके बाद में हमारे पास में नोड आएगा 570 का, जैसे कि अभी आया हुआ है 570 का नोड, तो अभी क्या है हमारा DJ भी क्लोज है और हमारा पेंटो भी ऊपर उठा हुआ है, डायरेक्ट गाड़ी को चलाना है, तो 570 का नोड आ रहा है। 570 का नोड में जैसे बैटरी वोल्टेज भी हमें आ रहा है 110 वोल्ट से ऊपर है, ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर अप्लाई यानी ब्रेक अप्लाई किया हुआ है, MR का प्रेशर भी हमारे पास में है, ब्रेक पाइप का प्रेशर भी है हमारे पास में, लॉको के ब्रेक लगा रखे हैं, यहाँ पर लॉको ब्रेक लगा रखे हैं, लॉको ब्रेक अप्लाई है, और ट्रेन के ब्रेक भी अप्लाई है यानी ऑटो ब्रेक भी अप्लाई है। TEV हमारा जीरो पर है, पेंटो उठा हुआ है, DJ क्लोज है, तो ये 570 के नोड की स्थिति है, FLG 570 का नोड। उसके बाद में क्या होगा, MR प्रेशर जैसे हमारे पास में क्या हो जाएगा 6.4 kg से ऊपर, क्योंकि 570 का नोड है तो MR प्रेशर 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा बनने के बाद में ही हमें रिवर्सर को फॉरवर्ड या रिवर्स में ऑपरेट करना है। और रिवर्सर कहाँ है हमारा, ये थ्रॉटल, थ्रॉटल को बोलते हैं हम रिवर्सर।
तो इसको फॉरवर्ड या फिर रिवर्स, गाड़ी फॉरवर्ड में ले, ये रिवर्सर है, ये फॉरवर्ड है या रिवर्स में होगा, ये रिवर्सर है और ये है थ्रॉटल। तो पहले रिवर्सर को फॉरवर्ड या रिवर्स में करेंगे, कब, जब हमारे पास चेक कर लेंगे कि MR का प्रेशर 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है और नोड भी आया हुआ है 570 का, तब हम करेंगे ये काम। तो हम क्या करेंगे, MR का प्रेशर 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा होने के बाद में रिवर्सर को फॉरवर्ड में या रिवर्स में, गाड़ी फॉरवर्ड में आगे ले जानी फॉरवर्ड में, गाड़ी बैक ले जानी तो रिवर्स में ऑपरेट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये जो नोड है 590 का नोड हो जाएगा ये। और यदि MR का प्रेशर 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनने से पहले अगर हमने रिवर्सर को ऑपरेट किया, इस रिवर्सर को पहले ऑपरेट कर दिया, तो प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमारे पास 590 का नोड आ गया, लोको ब्रेक SA9 को ऑन करेंगे, तो ये अप्लाई कर देंगे, रिलीज से अप्लाई, फुल पर था तो ऑटो ब्रेक है, SA9 को ऑन करेंगे और गेज में हमारे पास में 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे ब्रेक सिलेंडर गेज में 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होना चाहिए। और MR का प्रेशर हम देख लेंगे, MR का प्रेशर है 8 से इसके बीच में है, 8 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में है, तो MR का प्रेशर भी यहाँ पर है 8 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में, हम चेक कर लेंगे MR का प्रेशर। और BP प्रेशर है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये BP है, ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा जैसे ही 590 का नोड आएगा। उसके बाद में A9 डिस्प्ले पैनल पर ओके टू रन आ जाएगा, यहाँ पर ओके टू रन A9 डिस्प्ले पैनल पर। और BP टारगेट है हमारा वो 3.32 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मैसेज आएगा, ओके टू रन BP टारगेट 3.32 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मैसेज आएगा। इसके बाद में A9 हैंडल को हमें क्या करना है, इसके बाद में जो A9 हैंडल है हमारा, A9 हैंडल को फुल पर सर्विस की पोजीशन से हमें कहाँ पर लाना है, रन पर लाना है। इससे क्या होगा, BP प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर BP प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर हमें BP PV को प्रेस करके पार्किंग ब्रेक को रिलीज करना है, BP PV है, इसको प्रेस करके पार्किंग ब्रेक को रिलीज करना है, इससे पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाएंगे और PV गेज जो होगा, पार्किंग ब्रेक का जो गेज होगा उसमें 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर दर्शाएगा, और BP PV में जली हुई लाल बत्ती है वो बंद हो जाएगी। यदि पार्किंग ब्रेक को रिलीज किए बिना अगर हमने इस थ्रॉटल को ऑपरेट किया, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए भी थ्रॉटल ऑपरेट करना होगा, तो थ्रॉटल को ऑपरेट किया तो प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा। पार्किंग ब्रेक हम रिलीज करेंगे, थ्रॉटल को अगर ट्रैक्टिव एफर्ट लेना है तो TE की साइड करेंगे, जिससे बोगी 1 और बोगी 2 की निडल है ऊपर नीचे होगी, कौन सी, ये वाली बोगी 1 और बोगी 2, ये दोनों निडल है बोगी 1, ये बोगी 1 की है, ये बोगी 2 है, इन दोनों की निडल है ऊपर नीचे होगी, जैसे हम थ्रॉटल को ट्रैक्शन की साइड करेंगे यानी ट्रैक्टिव एफर्ट TE की साइड करेंगे। और हमारे पास में नोड किसका आएगा, फिर यहाँ पर नोड आ जाएगा 596, और उसके बाद में लोको ब्रेक पावर हम चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लोको को एनर्जाइज करते हैं।